देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कस्बा नवाबगंज स्थित अचरा रोड वीरपुर के पास बने राजेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव तथा जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इस दौरान दूरदराज से आए कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और रोजगार पाने के लिए शिक्षित बेरोजगार नौजवान युवक युवतियों के अलग अलग साक्षात्कार लिए। साक्षात्कार के दौरान मेले में बेरोजगारों की खासी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते भारी संख्या में भीड़ के दौरान थाना पुलिस तथा कॉलेज प्रबंधक समिति के द्वारा काफी बंदोबस्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में भीड़ अपनी अपनी खींचतानी आपाधापी पड़ी, जिसके चलते शाम तक 6000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया। सर, एक नवाबगंज मेले रोजगार मेले का आयोजन किया गया है आपके द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खासतौर से कोविड काल के बाद देश और दुनिया में जो मंदी की वजह से लोगों को आर्थिक समस्या और दिक्कत हुई, जिससे व्यापार बंद हुए, लोगों की नौकरियां गई, रोज़गार एक बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश में। जनपद में बेरोज़गारी कैसे हम लोग ख़त्म कर सके, इसके लिए छोटा सा प्रयास किया है और जिस हिसाब से अभी तक लोगों का यहां पर पंजीकरण और यहां उपस्थिति सुबह से चल रही है, मुझे विश्वास है कि एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ आज इस रोज़गार मेला के माध्यम से जो है वो रोज़गार को पाएंगे। एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने जनपद में कैसे नौजवानों को रोज़गार मुहैया करा सकें। अभी तो सर कितने पंजीकृत हो चुके हैं? पंजीकरण लगभग हम लोगों के आंकड़े 5000 से ऊपर थे, कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे और जिसमें उपस्थिति अभी मेरे पास संख्या नहीं आई है, शाम तक मैं आपको सही संख्या बता दूंगा कि उनमें से कितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, कितनों का साक्षात्कार संपन्न हुआ और कितने लोग उसमें से जो हैं कंपनियों के द्वारा चुने गए, और जितने भी चुने हुए अभ्यर्थी हैं उन सबको आज कंपनियों के द्वारा अब ऑफर लेटर भी यहीं पे दिया जा रहा है। अब सिर्फ इतना काम रह जाएगा कि कैंडिडेट यहां से चल के कंपनी के ऑफिस जाएगा, अपनी ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग लेटर लेगा, अपॉइंटमेंट लेटर लेगा। सर, ये रोज़गार मेला हर वर्ष लगेगा? बिल्कुल, ये प्रथम वर्ष था, पहला मौका था जब हम लोगों ने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारा अनुभव अभी तक का अच्छा रहा है, इसलिए हमने विश्वास दिलाया है जनपद के सभी अपने नौजवान भाइयों को कि अगली बार इससे बेहतर, इससे बड़ा रोज़गार मेला का आयोजन किया जाएगा और फिर निरंतर उसको नियमित हर वर्ष हम लोग इसी प्रकार से रोज़गार मेला का आयोजन जनपद फरुखाबाद के नौजवानों के लिए। आज ये जो नवाबगंज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बता दें थोड़ा। रोजगार मेले का आयोजन इसलिए किया गया है कि आज नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है जी। आज आर्थिक संकट हर परिवार के सामने भयंकर रूप से है, तो ऐसी दशा में बच्चों को रोजगार मिल सके इसके लिए हम लोगों ने रोजगार मेले का आयोजन कराया है। इसमें हाईस्कूल से लेकर इंटर बीए तक जो कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हैं उन सबके अलग अलग तरीके के काउंटर बनाए गए हैं, अलग अलग कंपनीज़ के लोग आए हुए हैं जो जिसके लिए फिट होंगे, जिसमें वो नियुक्ति की जा सकती है उनका इंटरव्यू होगा और जो पात्र होंगे तो उन्हें नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया जाएगा, जिससे जिस कंपनी में जाना है उनको नियुक्ति पत्र तुरंत हासिल होगा। सैलरी क्या रहेगी? और इससे वो अलग अलग है, तो जिस जैसी शिक्षा है जिसकी उसी तरीके से उनकी सैलरी का निर्धारण किया। कितना टारगेट रखा गया है? लगभग जितना हो जाए, कोई जरूरी नहीं है 2-4 हजार हो जाएंगे बच्चे सिलेक्ट तो वो भी ले लिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।